यू ऑल माई पी डी आई सी सी अकाउंटिंग गुरु चैनल गाइज, टैली अकाउंटिंग वाउचर में सेल्स वाउचर का यूज कब और कैसे किया जाता है? गाइज, टैली अकाउंटिंग वाउचर में सेल्स वाउचर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे द्वारा कोई सामान बेचा जाता है। मतलब सेल्स वाउचर, देखिए यहाँ पे सेल्स वाउचर से समझ में आ जा रहा है कि सेल्स वाउचर का मतलब क्या होता है। सेल मीन्स क्या होता है? बेचना। और वाउचर का मतलब क्या होता है? पुर्जा, ठीक है, मतलब प्रमाण। मतलब आपके द्वारा अगर कोई भी सामान अगर आप बेचते हैं, मान लीजिए कि अगर आप कोई दुकान चालू किए, अगर आपने अपने दुकान से अगर कोई भी सामान बेचेंगे तो आप उसकी कहीं पे लेखांकन करेंगे, कहीं पे रिकॉर्डिंग करेंगे, अपने बुक्स में लिखेंगे भाई आपने 10,000 रुपये का सामान बेचा है। तो जो हमारा टैली का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपके द्वारा जो भी सामान बेचा जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए सेल्स वाउचर में आकर के उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है गाइस, गाइस अगर मान लीजिए आपने किसी को सामान बेचा, वो सामान चाहे उधार में बेचा, चाहे मतलब क्रेडिट में चाहे सामान बेचा है या कैश में, तो उस कंडीशन में उसकी एंट्री आप कहाँ करेंगे? उसकी एंट्री करने के लिए आपको सेल्स वाउचर में आकर के उसकी एंट्री को पोस्ट करेंगे। ठीक है गाइस, आप एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल दिया हूँ मैं, राम को 1000 का माल बेचा, मतलब सामान बेचा गया। तो हमारा राम का जब आप एंट्री करेंगे सेल्स वाउचर में, तो आप एंट्री कैसे करेंगे सेल्स वाउचर? तो आप क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में जा करके अकाउंटिंग वाउचर ओपन करके वहाँ पे फंक्शन की एफ एड प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपका सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। तो आपका आप क्या करेंगे, वहाँ पे एंट्री आप कैसे पोस्ट करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट में। तो आप क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है, आपने क्या सामान बेचा वहाँ पर आप दिखा सकते हैं एज द इन्वेंट्री, ठीक है। राम अकाउंट डेबिट टू सोल्ड गुड्स, आपने क्या सामान बेचा वहाँ पे आप इन्वेंट्री में जाकर के आप दिखा सकते हैं। एंड अपना देखिए सेकंड अपना एग्जांपल क्या है, नगद में 5,000 रुपये का माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है, ये हमारा नगद का एंट्री हो जाएगा। एंड तीसरा नंबर क्या, अपना नगद में मशीनरी बेची, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, मतलब नगद में मशीनरी बेचा गया है तो आप क्या करेंगे, कैश मतलब एस की एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में आकर के एफ एड प्रेस करना होगा तो आपका सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। तो सेल्स वाउचर ओपन होता है डेबिट एंड क्रेडिट में, तो डेबिट में आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिख मतलब क्या, अगर पार्टी नहीं रहेगा तो उस स्थिति में मतलब क्या करेंगे, कैश। यहाँ पे देखिए नगद में मतलब कैश में सेल हो रहा है, ठीक है। अगर क्रेडिट में होगा तो कोई पार्टी होता है, क्रेडिट का मतलब किसी पार्टी को उधार में सामान को बेचा गया, ठीक है। अगर नगद में रहेगा तो नगद का मतलब होता है कैश, ठीक है। तो यहाँ देखिए नगद में मशीनरी बेची, तो हमारा यहाँ पे नगद मतलब कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल मशीनरी, ठीक है गाइस। तो इस स्थिति में सब मतलब सेल्स वाउचर का मतलब यही होता है कि भैया अगर कोई भी सामान हमारे द्वारा बेचा जाता है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, टैली ओपन करके अकाउंटिंग वाउचर में आकर के हम क्या करेंगे, जो अपना शॉर्टकट की होता है F8 ओपन द मतलब फंक्शन की का F8 बटन प्रेस करेंगे तो हमारा सेल्स वाउचर ओपन हो जाता है। तो उस सेल्स वाउचर में हमारे द्वारा जो भी सामान बेचा जाता है, चाहे सर्विस बेचें, चाहे एनी टाइप्स ऑफ सेल, मतलब कोई भी सामान बेचेंगे तो उस स्थिति में उसकी एंट्री को पोस्ट करने के लिए हम सेल्स वाउचर में आकर के उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है गाइस। एक देखिए मैं आपको चौथा नंबर का एग्जांपल देके आपको मैं समझा रहा हूँ गाइस। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी डेटर को सामान बेचा, ठीक है, तो हमने क्या किया, डेटर की एंट्री करने के लिए हमने क्या किया, टैली को ओपन किया। टैली को ओपन करने के बाद हम कहाँ गए, अकाउंटिंग वाउचर में आकर के वहाँ पर हम फंक्शन की, कीबोर्ड का जो हमारा फंक्शन की होता है, उस फंक्शन की में से F8 की का यूज करके अकाउंटिंग मतलब सेल्स वाउचर ओपन करके वहाँ पर हमने एंट्री को पोस्ट किया। एंट्री पोस्ट कैसे करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट में। देखिए यहाँ पे बाय का मतलब क्या होता है, डेबिट, एंड टू का मतलब क्या होता है, CR मतलब क्रेडिट। तो बाय मतलब क्या होता है,
द रिसीविंग एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड डेबिट और डीआर। ठीक है, मतलब आप डेबिट को चाहे बाय लिखिए, ठीक है, चाहे डीआर, मतलब एक ही है। तो डेटर मतलब क्या होता है, कोई पार्टी है, डेटर ए, हमने देखे आप लिखा हो डेटर ए, हमारा डेटर ए पार्टी का नाम है, उस पार्टी को हम क्या, हमारे द्वारा कोई सामान बेचा जा रहा है, तो उसकी मैं एंट्री आपको करके बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो डेटर ए को हमने क्या किया, सामान बेचा है, कितने रुपए का सामान बेचा हमने, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिया हूँ 10,000 का सामान हमने बेचा है। ठीक है गाइस, एंड लोकल सेल, हमारे जो डेटर ए पार्टी हमारा लोकल है, क्षेत्रीय है, इसलिए हमने लोकल सेल का हमने लेजर बना करके रखा है, तो इसलिए हमने लोकल सेल, यहाँ पे आप सेल भी दिखा सकते हैं, बट हमारा लोकल है, हमने एरिया वाइज, जैसे हमारा आउट ऑफ रहेगा, आउट ऑफ स्टेट रहेगा, तो यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट आप सेल दिखा सकते हैं, बट हमारा लोकल है, आउट मतलब विथ इन द स्टेट, इसलिए हमने लोकल सेल दिखा दिया, मतलब हमारी जो पार्टी है लोकल का ही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डेटर ए को हमने डेबिट कर दिया, डेटर ए को डेबिट हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी ये पर्सनल अकाउंट है, हमारे एक पर्सनल अकाउंट है, तो इसलिए हमारे के जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, फर्म है, तो पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स यही कहता है कि डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो। तो हमारे क्या है, डेटर क्या है कि हमारे द्वारा जो सामान बेचा जा रहा है उसे क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इसलिए हमने डेटर ए को डेबिट कर दिया। और लोकल सेल, हमारे मतलब लोकल सेल क्या है, हमारा सेल मतलब क्या होता है, ये हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, तो रियल अकाउंट्स का रूल्स ये कहता है कि भैया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे व्यापार से जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करो, तो हमारे व्यापार से जो सामान बेचा जा रहा है, हमारे व्यापार से सामान को गोज आउट हो रहा है, मतलब गोज आउट मतलब हो रहा है, तो उसकी एंट्री मतलब इस तरह से आप करेंगे गैस। तो गैस आज के डेट में आपका सेल्स वाउचर क्लियर हो गया होगा। गैस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर ये वीडियो में अगर आपका सेल्स वाउचर क्लियर, अगर मतलब कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर हो गया रहेगा, तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं, एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा गाइस, एंड गाइस आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, फुल्ली सपोर्ट चाहिए गाइस। ठीक है गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगा गाइस। ओके, थैंक यू।